ओके तो लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन डिस्कस कर रहे थे और हमने ऑक्सीडेशन डिस्कस की थी। लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस की थी, वो किसकी की थी? इथेन डायऑक्साइड एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्वेश्चन यू डिस्कस की थी। तो बेसिकली इसकी एक एप्लीकेशन भी है इथेन डायऑक्साइड एसिड की ऑक्सीडेशन की। दैट इथेन डायऑक्साइड एसिड इज यूज्ड इन titration to standardize पोटेशियम मैग्नेट 7 सॉल्यूशन। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसके साथ टाइट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइट्रेशन में हम जो बेसिकली KMnO4 का सॉल्यूशन है वो ब्यूरेट में फिल करते हैं। इथेन डायऑक्साइड एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो इन दोनों को फ्लास्क में यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लास्क में लेते हैं। और इस टाइट्रेशन में हम कॉनिकल फ्लास्क को वार्म रखते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होगा इस टाइट्रेशन का? जी, एंड पॉइंट पे कलर चेंज क्या होगा? नहीं, देखें पर्पल तो कहां पर है? ब्यूरेट में, तो इनिशियली नीचे कलरलेस है। जब आप पर्पल सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वो डीकलराइज होता रहेगा जब तक नीचे इथेन डायऑक्साइड एसिड है। तो जैसे ही इथेन डायऑक्साइड एसिड खत्म हो जाएगा तो जो नेक्स्ट ड्रॉप ऐड होगा वो पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो कलरलेस टू फर्स्ट परमानेंट पिंक। ठीक है, कलरलेस टू फर्स्ट परमानेंट पिंक जो है कलर आएगा वो आपका इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा। ठीक है, इक्वेशन लिख लें जो रिएक्शन होता है
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, जब आप रिडॉक्स बैलेंसिंग करेंगे तो समटाइम्स ये बैलेंसिंग के लिए आ जाती है। ओके, सो द Mn2 पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड एज अ कैटलिस्ट, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटालिसिस, ठीक है। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है? रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट formed catalyze the reaction, ठीक है। जो ये आपकी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वही रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है, ऐसे रिएक्शन को ऑटो कैटलिस्ट ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। जी यहां तक कंप्लीट कर लिया सबने? और सबको क्लियर है? मूसा, अब्दुलरहमान एंड सानिया, आप तीनों को भी क्लियर है? यस सर। ओके, now we are going to start with acyl chlorides. Acyl chloride kya hote hain, are the derivatives of carboxylic acid, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा? वी हैव एन अल्काइल चेन दैट इज बॉन्डेड टू अ कार्बोनिल कार्बन एंड दैट कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू अ क्लोरीन, ठीक है। और नॉर्मली हम इसको किस तरह में शो करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में? आर सी ओ सी एल, ठीक है। अब जो हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली जिसकी एग्जांपल है वो है इथेनॉल क्लोराइड, सो फॉर्मूला क्या बनेगा? सी एच थ्री सी ओ सी एल। और अगर मैं डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाऊं so this is the display structure, ठीक है। ये क्लियर है? इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? जी यहां तक कंप्लीट कर लिया था सबने?
preparation of acyl chloride. अच्छा जी, अगर एसाइल क्लोराइड को प्रिपेयर करना है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड into acyl chloride. और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे? जितने कार्बन एटम का हमें एसाइल क्लोराइड चाहिए होगा उतने कार्बन एटम्स वाले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे. अगर प्रोपानाइल क्लोराइड फॉर्म करना है तो मैं प्रोपानोइक एसिड यूज करूंगा. इथेनॉइल क्लोराइड यूज करना है फॉर्म करना है तो इथेनॉइक एसिड यूज होगा. ब्यूटानोइल क्लोराइड यूज करना है तो ब्यूटानोइक एसिड यूज होगा. ठीक है, तो तीन मेथड्स हैं और ये तीनों वो मेथड्स हैं जिन तीनों मेथड से आपने सेम रिएक्शन रिएजेंट और सेम कंडीशंस हैं जो कि आपने रिएक्शन पढ़ा था एएस में अल्कोहल्स को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो पहला क्या है? विद phosphorus 5-chloride no conditions are required reaction occur at room temperature conditions. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं इथेनॉइल क्लोराइड अगर प्रिपेयर कर रहा हूं सो आई विल टेक इथेनॉइक एसिड पीस फॉस्फोरस 5-chloride इज PCl5 क्या होगा? OH को Cl substitute कर देगा. ठीक है, and the other products that we got is PCOCl3 and HCl. ठीक है, now second way heat the reaction mixture with
फास्फोरस थ्री क्लोराइड। अच्छा ये बात याद रखिएगा, PCl5 सॉलिड होता है और फास्फोरस थ्री क्लोराइड लिक्विड होता है। तो जब ये रिएक्शन होगा, सेम वही रिएक्शन है जो आपने AS में पढ़े, अल्कोहल्स के साथ अल्कोहल का OH सब्स्टिट्यूट होके उसकी जगह Cl लग जाता था, PCl3 यहाँ पे अगेन OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3COCl बनेगा एंड वी गेट अ फास्फोरस एसिड H3PO3। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड हीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? नाउ थर्ड वे with liquid disulfur dichloride at room temperature pressure. इस रिएक्शन के लिए भी हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए। इन सब मेथड में एक ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि स्टिमी फिल्म्स आपको दिखेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl एज अ गैस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी ये भी लिक्विड था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझ लें, सबसे इजीएस्ट वे बनाना जो है वो आपके पास, बल्कि अगर मैं इसे मोल्ड वो ले लूं तो ज्यादा अच्छा है लिक्विड, वो ये है। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी दोनों गैसेस बन रही होती हैं, वो स्टिक हो जाती हैं एंड वी विल गेट जस्ट एसिटाइल क्लोराइड ओवर हियर। बट यहाँ पे मेरे पास ये भी जो है ना लिक्विड में फॉर्म हो रहा होता है, तो इसलिए इसमें फिर हमें सेपरेशन करनी पड़ेगी। इधर ये गैस बन रही है, तो जिन मेथड्स में आपके पास HCl फॉर्म हुआ है उनमें आपको स्टिमी फ्यूम्स ऑब्जर्व होंगे। ये बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अजनफर सानिया आपको भी क्लियर है? यस सर।
ओके मूसा एंड अब्दुल रहमान यस सर क्लियर है ओके reactions of acyl chlorides अगर हम एसाइल क्लोराइड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो आर वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स can be used to prepare many useful organic compounds अच्छा इनकी रिएक्टिविटी समझ लीजिए कि क्यों है ज्यादा देखें here we have a carbon double bond O here we have a chlorine ठीक है तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस से रिकॉल करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा होता था यहाँ पे OH था दोनों में डिफरेंस देखें दिस इज पार्शियल नेगेटिव ठीक है ऑब्वियसली ये भी पार्शियल नेगेटिव है और ये भी पार्शियल नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे विड्रॉ करता है ये भी यहाँ पे विड्रॉ करता है मगर इस इलेक्ट्रॉन्स के विड्रॉ होने की वजह से ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करता था बट यहाँ पे ये क्लोरीन भी इंड्यूस करने के बजाय वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी एज कंपेयर टू दिस कार्बन बहुत ज्यादा हाई होगी और उसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ये किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी या न्यूक्लियोफाइल को बहुत इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ये बात सबको समझ में आ रही है जी मूसा अब्दुल रहमान एंड सानिया आप दो तीनों को भी क्लियर है यस सर यस सर सो in acyl chloride the electrons on
कार्बोनाइल, कार्बन, विद ड्रॉन बाय बोथ ऑक्सीजन एटम एंड क्लोरीन एटम. Due to their large electronegativity, your high electronegativity, as a result, carbonyl carbon have a larger partial positive charge this makes it more reactive to react with nucleophile. क्योंकि अगर positive charge की charge density बहुत ज्यादा high है तो nucleophile बहुत easily इसकी तरफ attract हो जाएगा. ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. अच्छा जी, वजन पर क्लियर है? मसला तो नहीं? ओके. In reaction with nucleophile, the carbon chlorine bond broken down. Nucleophile bonds with the carbonyl carbon its Cl hydrogen chloride gas is formed. So white fumes are also
observed. अच्छा जी, अब अगर मैं इस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को जनरल इक्वेशन शो करूं आप लोगों को, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी? For example, मेरे पास ये एसाइल क्लोराइड है और ये रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल से जिसका एक पार्ट एच है और दूसरा पार्ट जेड है, तो क्या होगा रिएक्शन के रिजल्ट में? आर सी ओ जेड एंड एच सी एल बनेगा, ठीक है? यानी क्या हो क्या रहा है, अगर आप ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस इक्वेशन को देखें तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो फर्स्ट मॉलिक्यूल से जो एसाइल क्लोराइड है उससे यहाँ पे क्लोरीन की जगह जेड आ जाएगा और जो क्लोरीन निकलेगा वो हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? अब ये एच जेड क्या हो सकता है, ठीक है? हमने तो अभी तो जनरल बात कर ली ना एच जेड की, ये एच जेड क्या क्या हो सकते हैं? इसको आप इस तरह समझ लें, हमने जनरल बात की है एग्जैक्ट की, ठीक है? तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वाटर हो सकता है, ठीक है? वाटर के बाद क्या हो सकता है? अमोनिया हो सकता है, ठीक है? अमोनिया के अलावा क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, ठीक है? फिनोल हो सकता है, ठीक है? और कोई अमाइन हो सकता है, तो उन सबका एक एच निकलेगा और एच के साथ मैंने जिसको बॉन्ड दिखाया है वो वाला एटम जो है, यानी कि इस केस में ये, इस केस में ये, इस केस में ये, इस केस में ये और इस केस में ये, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है? सो इट मींस वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, नहीं नहीं साइनाइड से नहीं होता, फिनोल एंड अमाइन, ठीक है?
तो आप सिंपली ये बात यहां पे याद रख सकते हैं कि z जिसको हम कह रहे हैं ये बेसिकली z contains nitrogen or oxygen with lone pair. जी ये क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज पूछ लें। मूसा अब्दुर्रहमान सानिया को भी क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। ओके अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर एग्जांपल मैं इथेनॉल क्लोराइड की एग्जांपल लेता हूं, CH3COCl प्लस H2O, तो वाटर के केस में हमारे पास Z ग्रुप क्या था, OH ग्रुप था, ठीक है ना, तो इट मींस CH3COOH बन जाएगा, यानी कि इथेनॉइक एसिड बन जाएगा, और HCl, और HCl की वजह से मुझे क्या देखेंगे, व्हाइट फ्यूम्स देखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे, दिस इज द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ ए टू सिलेबस, और इसके अलावा पूरे ऑर्गेनिक में कोई और मैकेनिज्म नहीं है, एक बेंजीन वाला मैकेनिज्म और एक ये वाला, बट एएस के सारे मैकेनिज्म आते हैं, ठीक है। सो और दूसरा मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होगा, तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि ये अपने लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, अच्छा ये ऑक्सीजन भी पार्शियल नेगेटिव होगा और इस कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हैं, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन हाइड्रोलिटिकली ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से कार्बन जो है वाटर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकेगा, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, CH3CO नेगेटिव Cl और इस ऑक्सीजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने को डेटिव बॉन्ड बना लिया, इसने अपना एक लोन पेयर शेयर कर दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना तीन, और तो ये अपना लोन पेयर वापस शेयर करेगा, कार्बन के ऑलरेडी चार बॉन्ड है, इस पॉइंट पे ये वाला क्लोरीन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड एट द सेम मोमेंट जिस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो भी बॉन्ड ब्रेक करके इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा, तो जब ऐसा होगा तो अब देखें प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 as it is raw, इस C पे यहाँ पे
डबल बॉन्ड हो आ क्या, क्लोरीन निकल गया, बचा क्या OH, ठीक है, और जो एक एच निकला यहां से वो उस क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना लेगा. सो दैट इज द मैकेनिज्म. वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं और वाटर इसको ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको टिपिकल विद वाटर वाले रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कह सकता हूं. ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल HCl का फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसे इसको हम कंडेंसेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं और इसको हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं. कंप्लीट कर लिया मैंने सर जी, आपने भी कर लिया जी. सानिया, मूसा एंड अब्दुल रहमान, आप तीनों ने भी कर लिया. यस सर. यस इज ऑफ hydrolysis of alkyl chloride chloroalkane acyl chloride jo bhi humne example dekhi and chlorobenzene aryl chloride. In tinon se kaun sabse easily hydrolyze ho sakta hai जी? और सबसे मुश्किल से क्यों? तो जो एज ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात की जाए तो आपका असाइल क्लोराइड then chloroalkane and then aryl chloride or chlorobenzene. ठीक है, ये एज ऑफ हाइड्रोलिसिस है. ठीक है, सबसे ज्यादा इजीली एसाइल क्लोराइड होगा, फिर क्लोरोल्किन होगा, फिर एराइल क्लोराइड होंगे. अच्छा जी, इसका रीजन डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं अभी समझा देता हूँ. देखें इन दोनों केसेस में क्या फर्क है. यहाँ पे इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू दिस कार्बन,
बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि दो साइड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो इसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो होता है मगर उससे रिलेटिव भी बहुत कम होता है, इसलिए हमें इवन अल्कली के साथ भी हीट करना पड़ता है तब जाके स्केल रिमूव होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये अपना लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के साथ ओवरलैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो है इवन नॉर्मल कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है? अ सॉर्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड इज ओवर हियर ड्यू टू व्हिच इसको हाइड्रोलाइज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।